जय रचन दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आरसीएम का छोटा सा प्लान दिखाने जा रहा हूँ। आरसीएम का प्लान ही सब कुछ है। इसमें सिंपल फॉर्मूला है, इसका एक मंत्र है, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। प्लान दो तरीका का होता है, एक बता के एक दिखा के। अब बता के अगर प्लान देंगे तो आपका 15% रिजल्ट आएगा, और दिखा के प्लान देगा तो आपको 85% रिजल्ट आएगा। तो मैं प्लान देने जा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा धैर्य से देखिए, धन्यवाद। ये है आरसीएम बिजनेस, उसका फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। मार्केटिंग बाजार करने का सही तरीका। तो क्या हम इतने दिन गलत तरीका से बाजार कर रहे थे, इसका मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। तो बाजार हम दो तरीका का करते हैं, बिजनेस दो तरीका का होता है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस और एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ट्रेडिशनल एक नंबर हो गया, ट्रेडिशनल बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, अब इसमें अंतर दिखाने जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। ट्रेडिशनल बिजनेस ऐसा होता है, कोई भी चीज कंपनी में बनता है और खरीदार करने वाला को कस्टमर किया जाता है। तो कस्टमर कोई भी चीज अपना रिटेलर दुकान से लेके आते हैं, और रिटेलर अपना घर पे सामान नहीं बनाते हैं, वो भी उससे बड़ा दुकान जो होलसेलर उसके पास जाते हैं, और होलसेलर भी अपना दुकान घर में सामान नहीं बनाता है, उससे भी बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट के पास जाता है, और एजेंट कंपनी में जाता है। और कोई भी नया चीज बनाने से कंपनी लोगों को जानकारी के लिए एडवर्टाइज करते हैं। देखिए सिंपल सा तरीका ये है, ट्रेडिशनल मार्केट का तरीका। ये कोई भी चीज 10 रुपये बना, 2 रुपया खर्चा लगा, बेनिफिट लिया, 12 रुपये। ये हमारे पहुंचते पहुंचते इधर 22 रुपये में मिलता है। देखिए किस तरीका का, अभी एडवर्टाइजमेंट को भी सबका खर्चा चाहिए, बिना खर्चे में कोई भी कार्य नहीं करता है। तो 12, 14, 16, 18, 20, 22 कस्टमर को 22 रुपये मिलता है। ये है ट्रेडिशनल मार्केट में। और हमारे डायरेक्ट सेलिंग मेथड में इस तरीका का होता है, यहाँ में भी कंपनी में सामान बनता है और बीच में पीओ रहता है, और हम डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ में कस्टमर नहीं डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन किया गया है हमारा। तो यहाँ में भी 10 रुपये का सामान 2 रुपये अगर बेनिफिट लेगा तो 12 रुपया, और कंपनी ने हमें रजिस्ट्रेशन करने के समय बोला कि कम बाजार से सस्ता दूंगा, उसका मतलब 22 रुपये का सामान 20 रुपये में दिया, तो यहाँ बच गया 8 रुपीज, 8 रुपये बच गया। इसका फिर 45% आपका अकाउंट में रिटर्न करेगा कंपनी। तो यही है। अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है या ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, ये आप यही देख लीजिए, कौन सा आपका मर्जी है। तो आप लोगों को धनी बनाने जाएंगे ना खुद अपना सामान यूज करके आप धनी बनना चाहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग मेथड में सारा सामान आपको सस्ता मिलेगा, 10 का साबुन डिशवाश बार ये आपको 9 रुपये में मिलेगा, फिर कंपनी आपको 40 पैसा आपको अकाउंट में रिटर्न करेगा। आपको ये अगरबत्ती दीजिए, प्रतिष्ठा अगरबत्ती, बहुत ही खुशबूदार, इसका 52 है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और इसका सेलिंग रेट है 60 रुपीज, रजिस्ट्रेशन करने के बाद 8 रुपया कम में देगा। लेकिन आप बाजार में लेंगे, आप ट्रेडिशनल मार्केट होने में लेंगे तो इसका 60 रुपये लेगा। तो यही है
हमारे ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग मेथड का डिफरेंस। तो आइए हम सब मिलके डायरेक्ट सेलिंग मेथड में काम करें, खुद आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाए, सारा गवर्नमेंट को एक से एक टैक्स दिलाए, तो हमारा देश का तरक्की होगा। इतना ही कहकर मैं अपना प्लान का यहाँ अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हर्षिल।